हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारे गार्डन में एक मिर्च का पौधा है, तो उसमें मिर्च लगा हुआ है। छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा है, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ता है यहीं से तोड़ लेते हैं। और करेले के बीज को सुखा रहे हैं लगाने के लिए। तो हम लोग आए हैं रिलायंस डिजिटल और यहाँ से गैस स्टोव देख रहे हैं। तो ये ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है, 3 बर्नर वाला, ये उषा कंपनी का है और रेट भी सही लगा। 5,299, 5,300 ही कर देते, 1 रुपये पता नहीं क्यों कम किए हैं। और ये 4 बर्नर का स्टॉव है। अच्छा, ये बजाज का है। तो ये ब्लैक कलर में वॉशिंग मशीन है, बहुत अच्छा लगा, 16,490। यहाँ ब्लू कलर में भी है लेकिन क्या कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन तो ऑलरेडी है घर पर। तो हम लोग यहाँ सैंडविच मेकर देखने आए हैं। तो ये उषा का सैंडविच मेकर है, अच्छा है, सुंदर लग रहा है ना। तो कैसा लगा सैंडविच मेकर लेकर? अच्छा लगा। अब अल्फी डेली सैंडविच बना के खाएगी, अपना मनपसंद सैंडविच। हाँ, कौन कौन सा सैंडविच बनाने वाली है? अच्छा ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी मेरे साथ रिलायंस डिजिटल घूमने के लिए मैं आई हूँ डंगरा टोली वाले शॉप में। अल्फी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि सैंडविच मेकर आ गया है। पीछे कहाँ गए जीजा? कहाँ जीजा? अच्छा सर, बिजनेस हो जाएगा उसके बाद ही लिया जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ से, और बगल में एक शू शॉप है तो वहाँ पे चलते हैं। पहले हाथ सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। मम्मी लोग कहाँ चली गई? कपड़ा तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। उधर मिलेगा। तो ज्यादातर सामान हम लोग यही डंगरा टोली वाले रिलायंस से ही लेते हैं। तो यहाँ मम्मी 2 क्लोजअप लेकर आ रही है क्योंकि घर में क्लोजअप खत्म हो गया है। हाँ, 2 काफी है। खुला में वहाँ देता है 40 रुपया। मम्मी को डाब बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ से डाब ले रही है, 4-5 ले रही है। इसको कैसे बांध दीजिएगा? तो घूमते ही वे अब हमें भूख लगने लगी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सामलोंग और यहाँ पे नोटी नूडल्स करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ कुछ खा लेते हैं। सर्फी क्या ऑर्डर कर रही है? आज अल्फी के पसंद का आएगा, बता दो जरा। तो हमने ऑर्डर किया है एक चाउमीन, एग रोल और चिकन रोल। तो देखते हैं कैसा टेस्ट है, मैं बताऊंगी बाद में। तो जब तक ऑर्डर आता है तब तक अल्फी जूस मंगवा ली है। कौन सा जूस है अल्फी? मिक्स है क्या? मिक्स होता है। अच्छा, हम लोग वेट कर रहे हैं अभी कब हमारा ऑर्डर आएगा। तो हमने एक मिरिंडा का बॉटल लिया है, तो जब तक ऑर्डर आता है तब तक हम लोग मिरिंडा पी लेते हैं। तो नहीं
अच्छा दिख रहा है पता है आपकी नहीं है उसको तो मम्मी और दीदी का एग रोल आ गया गिरा देना उसका एग रोल प्याज देगा थोड़ा अब अच्छा लगेगा अल्फी बदमाशी कर रही है मम्मी का रोल खा रही है चुपके चुपके तो कैसा लगा आपकी रोल तो इस रेस्टोरेंट के बारे हमें ट्राइब कार्ड से पता चला और दीदी जीजा और अल्फी तो पहले ही यहाँ से खा चुके हैं तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ जा रही हूँ देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ का तो फाइनली मेरा चिकन रोल आ गया है और उसके साथ चटनी भी मिला है तीखा चटनी तो टेस्ट करके बताती हूँ कैसा टेस्ट है चिकन अच्छे से भरा हुआ है चिकन बहुत अच्छा से भरा हुआ है अंदर से चाउमीन का क्वांटिटी देखिए हाफ प्लेट चाउमीन है लेकिन इतना ज़्यादा चिकन रोल बहुत ज़्यादा टेस्टी है रेड ड्रेस रेड प्लेट तो पेड़ में देखिए लाइट लगा हुआ है काफ़ी अच्छा लग रहा है और अभी हम लोग लवाड़ी पहुँचे हैं और लवाड़ी में शाम होते ही काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है तो वैसे तो हम लोग जल्दी घर पहुंच जाते हैं लेकिन एक दीदी के घर चले गए थे तो वहीं पे हमें लेट हो गया तो अभी घर वापस जा रहे हैं तो मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में बैग पकड़ी अपना दे जी बाय कातिया तू कहाँ जा रहा है आ जाओ इधर आओ खाना खाना है ना आ जाओ गुड मॉर्निंग एवरीवन तो मम्मी और बहन जा रही है शादी में मोहल्ले में ही शादी है आ जाओ हम लोग घर में खाएंगे ठीक है चलो अंदर चलो चलो आ जाओ अंदर आ जाओ हाँ चलो उधर बैठेगा तब ना मिलेगा खाना ठीक बाय मास्क पकड़िए अपना ठीक है बेचारा बैठ गया है क्योंकि इसको जाने नहीं मिला तो अभी शाम का टाइम है और हस्बैंड लेकर आए हैं मिठाई दो डब्बा मिठाई देखते हैं कौन सा मिठाई है ओपन कर लेते हैं वाओ मेरा फेवरेट इसको भी ओपन करते हैं इसमें क्या है देखते हैं वैसे भी मिठाई मेरा फेवरेट है वाओ यम वैसे तो ज़्यादातर मैं रसगुल्ला वगैरह घर में ही खुद से बना लेती हूँ बाहर से कम ही लेती हूँ लेकिन कभी कभी बाहर का भी खा लेना चाहिए दोनों बच्चियों को पहले मिठाई दे देते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों तो ये एक एक दे देते हैं और ये वाला पता नहीं कौन सा स्टफिंग है छेना का लग रहा है तो ये भी दे देते हैं मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी यहाँ देखिए दोनों को मिठाई खा रही है और मोबाइल देख रही है उनको पता ही नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ दोनों एकदम मोबाइल देखने में मग्न हो चुके हैं आजकल के सभी बच्चे ऐसे ही हैं देखिए एक हाथ से मोबाइल हैंडल कर रहे हैं और एक हाथ से खा रहे हैं इतना बिजी हो गए हैं कि अगल बगल क्या हो रहा है कुछ भी ध्यान नहीं है जब से लॉकडाउन हुआ है सभी का ऑनलाइन क्लास चलने लगा तब से सभी के हाथ में मोबाइल आ गया है और देखिए क्या हाल हो गया है सभी का इतना ज़्यादा बिजी तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर